हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हीकल के आरसी ट्रांसफर स्टेटस को ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको किसी भी सर्च इंजन में सर्च करना है परिवहन, और जैसे ही आप परिवहन सर्च करोगे तो जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो परिवहन डॉट जी ओवी डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आपको इसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करना है, और उसके बाद इसमें दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, और अदर स्टेट के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। मैं पहले आपको दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट के लिए बता देता हूँ, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट का है तो इस पर क्लिक कीजिएगा आप, और अदर स्टेट से है तो इस पर क्लिक कीजिए। मैं दोनों का आपको बता देता हूँ, दिल्ली सिक्किम स्टेट का और अदर स्टेट का भी। तो उसके लिए दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट पर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें है नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर एप्लीकेशन नंबर डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। तो जो आपका आरसी स्टेटस वो आपको दिख जाएगा कि ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो इस पर अदर स्टेट पर क्लिक कीजिएगा, और जब आप अदर स्टेट पर क्लिक करोगे इस तरीके का एक पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपको दोस्तों इसमें स्टेटस जो है इस पर कर्सर ले जाना है, और उसके बाद नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है, और उसके बाद ये एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर, और व्यू रिपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी एप्लीकेशन नंबर के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किए तो उसमें राइट टॉप कॉर्नर पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा और व्यू रिपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही दोस्तों आप व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करोगे, बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ऑफिस नाम हो गया, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हो गया। एप्लीकेशन नंबर वही रहेगा जो यहाँ पे आपने डाला था। एप्लीकेशन डेट हो गई इसमें, यानी कि कब आपने अप्लाई किया था ट्रांसफ़र के लिए, वो हो गया इसमें। और इसमें दो के लिए मैंने अप्लाई किया था, HP टर्मिनेट के लिए और ट्रांसफ़र के लिए, तो दोनों इसमें आ गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया। करंट स्टेटस इसमें कंप्लीट दिखा रहा है, अप्रूव दिखा रहा है। तो और जब आप इधर इस पर यहाँ पे क्लिक करोगे, इधर की तरफ ले जाओगे इसे, तो यहाँ पे आपको करंट स्टेटस दिख गया। उसके बाद आरसी का स्टेटस आपको दिख जाएगा, जो आरसी है वो प्रिंट हो चुकी है, यानी कि जो आरसी है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। और कब हुई है? 4 जुलाई 2020 को ये अप्रूव, यानी कि जो प्रिंट हुई है आरसी, और अप्लाई किया था 29 जून 2020 को। और उसके बाद जब शो पर आप क्लिक करोगे, एक्शन शो पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हो गया, ट्रांजेक्शन पर्पस हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, करंट स्टेटस क्या है वो दिख जाएगा आपको कि ये कंप्लीट हो चुकी है और अप्रूव हो चुकी है 4 जुलाई 2020 को, और एक्शन अप्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, कंप्लीट हो चुकी है स्टेटस इसका, और किन्होंने प्रोसेस किया वो उनका नाम इसमें आ जाएगा, और किस डेट में प्रोसेस हुआ वो इसमें आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने आरसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप की जो आरसी वो ट्रांसफ़र हुई है या नहीं। ये प्रोसेस है दोस्तों चेक करने का। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो दोस्तों, आगे मेरे को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए वो आप बता दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे, राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। और दोस्तों, मैं व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर व्हीकल रिलेटेड वीडियोज़ की बात करूँ तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 90 वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें है कि आप व्हीकल HP किस तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं, ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, HP कंटिन्यू किस तरीके से रख सकते हैं, अपने व्हीकल को ट्रांसफ़र किस तरीके से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने। और ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो लर्नर लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, कंडक्टर, इंटरनेशनल, इन सभी के लिए रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनको भी देख सकते हो।
और तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।